वेलकम माय फ्रेंड्स, माय लिटिल फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है SB एलिट पब्लिक स्कूल। आप देख सकते हैं SB एलिट पब्लिक स्कूल का जो ऑनलाइन क्लास शुरू किया गया है उसमें आपका स्वागत है। आइए, विकास कुमार क्लासेस में आपका स्वागत है। आप यहाँ पे देखिए, इस स्कूल के द्वारा किस कोरोना जो इसको बोलते हैं महामारी है, ये पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है, इसको पैंडेमिक बोलते हैं। पैंडेमिक के कारण लॉकडाउन है, हम घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं। आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने टाइम का पूरा यूटिलाइज़ कीजिए ताकि आपका सिलेबस भी पीछे ना रहे। तो मैं आपका साइंस टीचर विकास कुमार आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ, क्लास 6 साइंस चैप्टर 1। आप बुक खरीद लिए होंगे, अपने पास पड़ोस से, अपने जो भैया हैं उनसे मांग लिए होंगे साइंस का बुक। अब देखिए चैप्टर 1, उसका नाम है सोर्सेस ऑफ फूड और आज हम लोग पार्ट 1 पढ़ने वाले हैं। यानी कि इसको हम लोग 3-4 दिन तक चलेगा, यानी कि 3 से 4 वीडियो में इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। एक छोटा सा चैप्टर है तो आज हम लोग थोड़ी सी बातें जानेंगे, या फर्स्ट वीडियो है इसीलिए थोड़ी सी बातें जाननी है। इस एक एक करके थोड़ा थोड़ा करके हम लोग इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। ये देखिए सोर्सेस ऑफ फूड चैप्टर 1 है और इसका 1st क्लास। तो सब लोग अपने बुक लेकर के बैठ सकते हैं। अगर बुक नहीं भी है कोई बात नहीं है, आप ध्यान से वीडियो को देखते रहिए और सारी बातें को समझते रहिए। आप अभी अभी क्या है कि क्लास 5, यानी कि क्लास 5 पास करके किस में आए हैं, 6 में आए हैं। और 5A का सेक्शन हो गया 6A, और जो 5B है तो 5B का सेक्शन हो गया 6B। यानी कि दोनों सेक्शन 6A और 6B, उसके लिए सेम ही वीडियो होगा, आप दोनों को मिलेगा और आप दोनों आसानी से इसको समझ सकते हैं। बहुत ही सिंपल भाषा में ये वीडियो होगा, आपको समझ में आएगा। लेकिन 5A जो आप जितना मेहनत किए थे उससे आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि 6 का कुछ लेवल थोड़ा सा ज़्यादा है, यानी कि 5 के कंपेरिजन में 6 का लेवल ज़्यादा है। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें आज क्या क्या चीज़ें सीखने वाले हैं। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है, तो ध्यान से देखिए, फूड एंड न्यूट्रिएंट्स, यानी कि फूड एंड न्यूट्रिएंट्स के बारे में जानेंगे। इसके अलावा फंक्शंस ऑफ फूड, ये क्या काम करता है, हमारे बॉडी में फूड क्यों ज़रूरी है, इसका वैरायटी ऑफ फूड इन इंडिया। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, सब लोग को पता है, एक छोटा सा देश तो है नहीं, एक बहुत बड़ा देश है, इसीलिए लोगों का फूड भी अलग अलग होगा। इसके बारे में जानेंगे कि वैसे कौन से फैक्टर्स हैं जो फूड को डिटरमिन करते हैं। इसके अलावा इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड, यानी कि फूड को बनाने में कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल होता है, और हम लोग जानेंगे सोर्सेस ऑफ फूड, यानी कि बस इतने ही 5 चीज़ों के बारे में स्टडी करना है। तो चलिए शुरू किया जाए। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो बुक है ये आपका ये क्लास का बुक है। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि ये पुराने वाला बुक है, यानी कि जो आपके पास जो ओल्ड बुक है, ओल्ड वर्जन बुक और न्यू वर्जन, दोनों में थोड़ा चेंजिंग है। बाकी जो थीम है बिल्कुल सेम टू सेम है, थीम में कोई दिक्कत नहीं है, बस 1-2 जगह पे नए और पुराने में डिफरेंस मिलेगा, बाकी सारी चीज़ें सब एक समान ही है, इसमें घबराने की बात नहीं है। आप चाहे नया बुक हो या पुराना बुक हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चैप्टर का नेम देखिए यहाँ पे बिल्कुल लिखा हुआ है, सोर्सेस ऑफ फूड, ध्यान से देखिए। तो सबसे पहला टॉपिक है फूड एंड न्यूट्रिएंट्स। तो चलिए बच्चे एक बात ध्यान से सुनिए, अगर कार है, कार में अगर पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा तो क्या वो चल पाएगा, नहीं तो कार क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, यानी कि कार आगे नहीं बढ़ पाएगी, वो हमारे लिए यूजलेस होगा। यानी कि कार को चलाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो कार को चलाने के लिए ध्यान से देखिए फ्यूल चाहिए। फ्यूल किसको बोलते हैं, तो या तो हो सकता है वो पेट्रोल से चलता हो, पेट्रोल वाला कार हो, या हो सकता है कि वो डीजल से चलता हो, यानी कि डीजल वाला कार हो, यानी कि इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फ्यूल बोलते हैं। इसके अलावा और क्या चीज़ें चाहिए, इसके अलावा जो इंजन होता है, इंजन में ये ईंधन जलते हैं और जल करके हीट प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि इंजन को क्या मिलना चाहिए, ऑक्सीजन मिलना चाहिए। क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे क्लास 5 में कि जलने के लिए किस चीज़ की ज़रूरी होती है, तो कौन से गैस की ज़रूरी होती है, तो ऑक्सीजन, यानी कि जलने के लिए बहुत ज़रूरी होता है यह गैस, ये हम लोग सांस में इसी गैस को लेते हैं, तो जलने के लिए भी ये ज़रूरी होता है। तो इंजन को क्या मिलना चाहिए, ऑक्सीजन मिलना चाहिए। इसके अलावा इस इंजन को क्या मिलना चाहिए, तो इस इंजन को फ्यूल मिलना चाहिए, फ्यूल का मतलब डीजल या पेट्रोल। अगर ये नहीं मिलेगी तो फिर कार बेकार हो जाएगा, कार है तो क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। ऐसे ही हमारा बॉडी भी बहुत सारा काम करता है।
इसीलिए ये हमारा बॉडी ठीक से काम करे इसके लिए हमको क्या चाहिए, फूड की ज़रूरत होती है, यानी कि हमें फूड की आवश्यकता होती है। और यही फूड है जो हमारे लिए डीजल पेट्रोल का काम करता है, यानी कि यही हमारा क्या है, फूड ही हमारे लिए फ्यूल का काम करता है। अब देखिए फिर से बात करते हैं, कार के लिए क्या चाहिए था, तो कार के लिए फ्यूल चाहिए था, ठीक है। ऐसे ही हमारे बॉडी के लिए क्या चाहिए, तो हमारे बॉडी के लिए फ्यूल का काम कौन करता है, तो फ्यूल का काम फूड करता है। तो कार के लिए ये देखिए, कार के लिए फ्यूल और बॉडी के लिए फूड। अब यहाँ पे बात आती है कि फूड इसके फ्यूल से सिर्फ काम चल जाएगा क्या कार को, नहीं, इस फ्यूल के साथ साथ ऑक्सीजन भी चाहिए। वैसे ही दोनों चीज़, जैसे फ्यूल भी चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए, वैसे ही हमारे बॉडी के लिए भी होता है। तो हमारे बॉडी के लिए फूड तो चाहिए ही, तो फूड का मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ फूड हो गया, पेट भर गया, काम ख़त्म, नहीं। यानी कि जो फूड में केमिकल्स होते हैं, फूड में क्या रहता है, केमिकल का मतलब ये मत समझ लो कि दवा, केमिकल हम लोग दवा को बोलते हैं, जी नहीं, केमिकल का मतलब फूड में वैसे उसके अंदर में क्या चीज़ है, वैसा केमिकल जो हमारे बॉडी को ज़रूरी है, हमारा बॉडी उसको क्या करता है, नीड करता है, यानी कि बॉडी को नीड है किस केमिकल का, जो कहाँ पे रहता है, फूड पे रहता है। एक बात और समझते हैं, ध्यान से समझिएगा, ये जो बॉडी है, बॉडी को नीड है यानी कि ज़रूरी है, किस चीज़ का ज़रूरी है, तो केमिकल के ज़रूरी है। और ये केमिकल कहाँ मिलेगा, फूड में मिलेगा, इसीलिए इसको बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। क्या बोलेंगे इसको, तो इसको बोलेंगे न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स, ये हो गया न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स क्या है, इसको डिफाइन किसे करना है, तो आपके बुक में डिफिनीसन साफ साफ लिखा हुआ है, आप यहाँ से यहाँ तक देख सकते हैं। द केमिकल्स प्रजेंट इन फूड दैट आवर बॉडी नीड्स, यहाँ पे जब आप डिफिनेशन लिखिएगा तो आप भी यूर नहीं लिखिएगा, इस यूर के जगह पे क्या लिखिएगा, आवर, दैट आवर बॉडी नीड्स आर नोन एज न्यूट्रिएंट्स, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। चलिए ठीक है, इस न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या चीज़ होती है, तो इस न्यूट्रिएंट्स में ढेर सारे यानी कि केमिकल्स होते हैं, और हमारे बॉडी को ये सारे के सारे केमिकल्स जो होते हैं, ये सारे केमिकल्स, और केमिकल्स के बदले में आप इस्तेमाल कर सकते हैं न्यूट्रिएंट्स, ये राइट अमाउंट में चाहिए, ना ज़्यादा चाहिए और ना ही कम चाहिए, यानी कि राइट अमाउंट में ये सारे केमिकल्स की ज़रूरत होती है, जिस प्रकार कार को फ्यूल और ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, नेक्स्ट पॉइंट इज फंक्शंस ऑफ फूड। देखिए फंक्शंस ऑफ फूड यानी कि हमारा जो बॉडी है, वो फूड तो चाहिए बॉडी को, तो फूड अंदर जाकर के क्या क्या काम करता है। द फर्स्ट वर्क इस ध्यान से देखेंगे, इट प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर वेरियस एक्टिविटीज़ ऑफ द बॉडी, यानी हमारे बॉडी में ढेर सारे एक्टिविटी होने रहते हैं, बहुत सारी एक्टिविटी होती है। अगर आप सो रहे हैं तो भी ढेर सारे एक्टिविटी अपने आप हो रहा है, सांस ले रहे हैं, आपका हार्ट बीट चल रहा है, हो सकता है आपका माइंड सोच रहा है, यानी कि जो कुछ भी उसके अंदर चल रहा है, बॉडी के अंदर ढेर सारी यानी ब्लड का सर्कुलेशन चलते रह रहा है, ये सारे काम को करने के लिए आप अगर खेलते हैं, कूदते हैं, पढ़ते हैं, कुछ काम करते हैं, हार्डवर्क करते हैं, या फिर छोटा छोटा मोटा काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसके लिए क्या ज़रूरी होती है, तो एनर्जी की ज़रूरत होती है। इसके अलावा ये जो फूड है वो न्यू सेल्स बनाता है, क्या बनाएगा, न्यू सेल्स बनाएगा, ताकि हम ग्रोथ कर सके, छोटा बच्चा धीरे 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 बड़ा हो सके, जो छोटा प्लांट है वो धीरे 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 बड़ा हो सके, यानी कि छोटे प्लांट को बड़ा करने के लिए या फिर छोटे बच्चे को बड़ा करने के लिए जो न्यू सेल का फॉर्मेशन करते हैं हम लोग, तो किससे होता है, तो फूड से होता है। इसके अलावा कहीं कट जाता है, कहीं पे स्क्रैच आ जाता है या फिर घाव हो जाता है, उसको हम लोग ठीक करना रहता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, तो ठीक करते हैं, तो जो वर्न आउट बोलते हैं उसको, वर्न आउट सेल यानी कि जो ख़राब हो गया उसको रिपेयरिंग का काम कौन करता है, तो फूड करता है। इसके अलावा एक और काम करता है क्या, कि जो हमारा बॉडी है, देखिए हमारा बॉडी तो इन्वायरमेंट में ढेर सारे डिजीज काउजिंग जर्म्स होते हैं, उस जर्म से ये फाइट करता है और हमारे बॉडी को फिट रखता है और हेल्दी रखता है। ये तीसरा काम है, फूड फाइट अगेंस्ट द डिजीज काउजिंग जर्म्स दैट आर प्रजेंट इन द इन्वायरमेंट एंड कीप आवर बॉडी फिट एंड हेल्दी, यानी कि हमारे बॉडी को फिट रखता है और क्या रखता है, तो हेल्दी रखता है।
चलिए इतनी सारी बातें हो गई, आगे हम लोग और पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वेराइटी ऑफ फूड इन इंडिया। इंडिया में अलग अलग प्रकार के लोगों के द्वारा अलग अलग फूड को उपयोग किया जाता है, फूड का कंज्यूम किया जाता है। अब ध्यान से देखिए, इंडिया जो है छोटा कंट्री नहीं है, इट इज़ ए वास्ट कंट्री, पहली बात। दूसरी बात है कि यहाँ पे सॉइल अलग अलग पाया जाता है, सॉइल अलग होता है। इसके अलावा और क्या चीज़ है, तो एक चीज़ और बताते हैं, यहाँ पे क्लाइमेट अलग अलग होता है, यानी कि हर जगह पे क्लाइमेट एक जैसा नहीं है। इस कारण से वहाँ पे क्रॉप्स भी अलग अलग उगाते हैं, क्रॉप्स हो गए। इसके अलावा आप देख सकते हैं वहाँ पे वेजिटेबल्स अलग अलग उगाए जाते हैं, वहाँ पे फ्रूट्स अलग अलग होते हैं। इस कारण से हम बोल सकते हैं कि एक सॉइल, एक हो गया सॉइल, दूसरा हो गया क्लाइमेट, ये दो हैं, एक क्लाइमेट और दूसरा सॉइल है। ये दो फैक्टर्स हैं, इसको क्या बोलेंगे, फैक्टर्स बोलेंगे। फैक्टर्स का मतलब क्या होता है कि जो किसी भी चीज़ को इफ़ेक्ट करते हैं, यानी कि दो चीज़ें यहाँ पे हैं, एक हो गया क्लाइमेट और दूसरा हो गया सॉइल। ये दोनों ही किसी भी जगह पे कौन सा क्रॉप, कौन सा वेजिटेबल होगा, कौन सा फ्रूट होगा, ये सबको डिटरमिन करता है। और जो चीज़ जहाँ पे होगा, वे लोग उसी चीज़ का, वहाँ पे रहने वाले लोग उसी चीज़ को कंज्यूम करेंगे, उसी का उपयोग करेंगे। तो इसीलिए अलग अलग जो जगह पे लोग होते हैं, वो अलग अलग भोजन का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं एक्टिविटी वन यहाँ पे देखिए। अब दो क्लासमेट से मिलिए, यानी कि जो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से आए हुए हैं। सपोज़ कीजिए एक वेस्ट बंगाल से आया हुआ है और दूसरा कहाँ से आया है, दूसरा पंजाब से आया है। जो वेस्ट बंगाल से आया है तो उसको चावल सबसे ज़्यादा पसंद है, वो चावल पसंद करता है। और जो पंजाब से आया है उसको रोटी सबसे ज़्यादा पसंद है, यानी कि वो ब्रेड पसंद करता है। रीजन की वेस्ट बंगाल में राइस का क्वांटिटी ज़्यादा, वहाँ पर राइस का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, और पंजाब में वीट ज़्यादा होता है, गेहूँ ज़्यादा है, तो यहाँ के लोग रोटी खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो जैसे जहाँ पे जो लोग रहते हैं, वहाँ का जो क्रॉप्स कैसा है, उस हिसाब से उनका खाना भी वैसा ही होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड। यहाँ पे देखिए इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड, यानी कि फूड को बनाने में क्या क्या चीज़ें लगती है। अगर आप सिर्फ वाइल्ड राइस चाहिए, यानी कि आप सिर्फ और सिर्फ चावल खाना चाहते हैं, वाइल्ड राइस और कुछ भी नहीं, तो इस वाइल्ड राइस को बनाने में क्या चाहिए, चावल चाहिए। चावल को किस में उबालिएगा, तो वाटर में उबालिएगा, यानी कि राइस और वाटर इसके दो इन्ग्रीडियंट्स हो गए, यानी कि यही दो चीज़ है जिसको बनाने में वाइल्ड राइस का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर कोई बिरयानी बनाना चाहता है, ध्यान से समझिए यहाँ पे क्या बनाना चाहता है, बिरयानी, यानी कि बिरयानी बनाना वो चाहता है। तो बिरयानी बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें की ज़रूरत होगी, तो बहुत सारी चीज़ें चाहिए। तो सबसे पहले तो चावल चाहिए, चावल के साथ चिकन चाहिए, अगर चिकन बिरयानी बनाना चाहता है, मटन बिरयानी तो मटन चाहिए। इसके अलावा उसमें क्या चाहिए, स्पाइसेस मिलाना होगा, मसाला मिलाना होगा। और स्पाइसेस के अलावा क्या चाहिए उसमें, तो इसके अलावा उसमें सॉल्ट चाहिए, सॉल्ट के अलावा क्या चाहिए, वाटर चाहिए, वाटर तो ज़रूरी होगा। इसके अलावा पकाने के लिए क्या चाहिए, तो ऑयल चाहिए। यानी कि ये सारे चीज़ें मिल करके क्या हो रहा है कि बिरयानी को बना रहे हैं, इसीलिए हम इसको बोल सकते हैं कि ये सारे के सारे बिरयानी का इन्ग्रीडियंट्स हैं। यानी कि इन्ग्रीडियंट्स किसको बोलते हैं, कि जिससे फूड मिल करके बनता है, यानी कि द सब्सटांसेस विच मेक ए फूड, यानी कि वैसा सब्सटांस जो मिल करके एक भोजन को बनाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्ग्रीडियंट्स बोलते हैं। ये डिपेंड करता है, अलग अलग फूड के लिए अलग अलग इन्ग्रीडियंट्स होगा। अब यहाँ पे आता है कि ये सारी चीज़ें कहाँ से मिलती हैं, यानी कि जो हमारा भोजन है, भोजन में जो इन्ग्रीडियंट्स इस्तेमाल होते हैं, बहुत सारी चीज़ों से मिल करके भोजन बनता है, तो ये कहाँ से आता है, किस जगह से आता है। ध्यान रखिएगा, ये मेनली
दो जगह से आते हैं, यानी कि दो जगह से क्या क्या, तो एक तो प्लांट से मिलेगा हमको, प्लांट हो गया, दूसरा किससे मिलेगा, तो दूसरा एनिमल से मिलेगा। प्लांट से मिल सकता है, एनिमल से मिल सकता है। जैसे राइस कहाँ से मिलेगा, प्लांट से मिलेगा। चिकन कहाँ से मिलेगा, एनिमल से मिलेगा। इसके अलावा स्पाइसेस कहाँ से मिलेगा, प्लांट से मिलेगा। फ्रूट्स कहाँ से मिलेगा, प्लांट से। वेजिटेबल कहाँ से मिलेगा, प्लांट से। स्पाइसेस भी बोल दिए, प्लांट से। और एग्स कहाँ से मिलेगा, मटन कहाँ से मिलेगा, ये सब के सब कहाँ से मिलेंगे, एनिमल से। लेकिन अर्थ जो है ये दो चीज़ प्रोवाइड करती है। अर्थ याद रखिएगा, एक होता है वाटर और दूसरा होता है सॉल्ट। सॉल्ट और वाटर कहाँ से मिलता है, तो याद रखना है अर्थ से दो चीज़ें मिलती हैं हमें, एक है वाटर और दूसरा है सॉल्ट। बाकी सारे चीज़ें प्लांट्स से मिलेंगे या फिर एनिमल से मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आप यहाँ पे देख सकते हैं, यही जो चीज़ें हैं, जैसे बॉइल्ड राइस। बॉइल्ड राइस को बनाने में राइस चाहिए और वाटर चाहिए, तो राइस कहाँ से मिलता है, प्लांट से। वाटर कहाँ से मिलता है, अर्थ से। चिकन बिरयानी बनाने के लिए ढेर सारी चीज़ें हैं, देखिए राइस है, वाटर है, चिकन है, सॉल्ट है, स्पाइसेस है और वेजिटेबल ऑयल है। तो कहाँ से मिलेंगे, तो राइस, स्पाइसेस और वेजिटेबल ऑयल ये सब प्लांट से मिलते हैं। चिकन कहाँ से आ गया, तो एनिमल यानी कि वो कुकड़ुकू यानी मुर्गा मुर्गी ये होता है, इससे मिलेगा। वाटर और सॉल्ट कहाँ से मिलेगा, अर्थ से मिलेगा। चलिए आगे एक और टॉपिक है यहाँ पे। नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट, नेक्स्ट टॉपिक इज इंग्रेडिएंट। ये तो इंग्रेडिएंट्स पढ़ लिए ना, नेक्स्ट टॉपिक इज सोर्सेस ऑफ फूड। ये देखिए यहाँ पे सोर्सेस ऑफ फूड, यानी कि वही बात किए हैं अभी हम लोग कि फूड का सोर्स क्या होता है। तो अभी अभी बात किए हैं कि जो फूड है वो कहाँ से मिलता है, तो या तो प्लांट्स से मिलेगा या तो एनिमल से मिलेगा। तो ध्यान से देखिए, ये तो प्लांट से मिलता है या फिर एनिमल से मिलता है। अब बात करते हैं ग्रीन प्लांट का। ग्रीन प्लांट, तो ग्रीन प्लांट में एक खासियत होता है कि ये जो अपना फूड इन लोग स्वयं बनाते हैं, ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। ये अपना फूड क्या करते हैं, इट्सेल्फ, यानी कि ये स्वयं बनाते हैं। ग्रीन प्लांट्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो एक चीज़ होता है एक उनके हरी पत्तियों में, यानी कि जो उसका स्टेम हरा है, ग्रीन स्टेम या ग्रीन लिप्स में एक चीज़ पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोफिल। ये देखिए क्लोरोफिल, यानी कि क्लोरोफिल पाया जाता है। और ये क्लोरोफिल क्या करता है कि जो सन है ना, जो सन से जो लाइट आता है, इसको सूरज की रोशनी या सनलाइट कहते हैं, ये क्लोरोफिल उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, इसकी एनर्जी को। और CO2 तो मिलता है, कहाँ से मिलता है, एटमॉस्फेयर से मिलता है। और ये जो H2O है, ये जड़ के द्वारा सॉइल से प्लांट के द्वारा लिया जाता है। तो CO2 और H2O के मदद से क्लोरोफिल और सनलाइट के द्वारा ये अपना भोजन खुद बना लेते हैं। इसलिए ग्रीन प्लांट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रीन प्लांट्स को बोला जाता है प्रोड्यूसर्स, यानी कि ग्रीन प्लांट्स आर नोन एज प्रोड्यूसर। ये देखिए ग्रीन प्लांट्स को क्या बोलते हैं, तो प्रोड्यूसर बोलते हैं। रीजन बिकॉज दे प्रिपेयर देयर ऑन फूड। इसके अलावा उनको जितना आवश्यकता होता है उससे वो ज़्यादा भोजन बनाते हैं, यानी कि जितना उनको चाहिए उससे वो क्या करते हैं, ज़्यादा भोजन बनाते हैं। यानी कि लिखा हुआ दे प्रिपेयर मोर फूड देन दे नीड, यानी कि ज़्यादा भोजन बनाते हैं ताकि किसको, जो एनिमल्स हैं। एनिमल्स कहने का मतलब जो हम लोग भी एनिमल्स में ही आते हैं। एनिमल्स किस पे डिपेंड करते हैं, तो एनिमल्स डिपेंड करते हैं प्लांट्स पे। और प्लांट अगर ज़्यादा भोजन बनाएगा तभी तो एनिमल को मिलेगा, क्योंकि प्लांट अगर उतना ही भोजन बनाए जितना ज़रूरी है तो फिर एनिमल को नहीं मिल पाएगा। इस कारण से प्लांट ज़्यादा भोजन बनाते हैं और एनिमल उसी भोजन का इस्तेमाल करते हैं। तो प्लांट अगर अधिक भोजन बनाता है तो कहाँ पर रहता है, तो हो सकता है कि उसके पत्तियों में रहे, यानी कि जो प्लांट भोजन बनाते हैं वो कहाँ रहे, तो उनके लिप्स में रहे, पत्ती में, या हो सकता है स्टेम में रहे, या हो सकता है उनके रूट्स में रहे। इसके अलावा हो सकता है कि फ्रूट्स में हो, यानी कि ये सब जगह है जहाँ पे उनका भोजन जमा होता है। जैसे हम लोग स्पिनच की बात करते हैं, स्पिनच पालक का हम लोग पत्ती खाते हैं। पोटैटो बात करें तो स्टेम को खाते हैं। कैरेट की बात करें हम लोग तो उसके रूट्स को खाते हैं। फ्रूट्स यानी कि एप्पल, ग्वाभा, ग्रेप्स, ये सब क्या हैं, फ्रूट्स हैं।
इसके अलावा सीरियल्स यानी अनाज, ये अनाज हो गया, ये सब क्या है, तो उनका जो एक्सेस भोजन रहता है ये सब में स्टोर होता है, जिसको हम लोग बाद में इस्तेमाल करते हैं। अब आगे आ जाइए, और भी बहुत सारी बातें हैं यहाँ पे। जैसे देखिए मिल्क, मिल्क कहाँ से मिलेगा, तो काऊ, बुफैलो, गोट, कैमल, ये सब से मिलता है मिल्क। और मिल्क का इस्तेमाल हम लोग पीने के लिए करते हैं, इसके अलावा उसका पनीर बनाते हैं, चीज़ बटर बनाते हैं, घी बनाते हैं, कर्ड बनाते हैं, आइसक्रीम या फिर स्वीट्स बनाते हैं। अब एग कहाँ से मिलेगा, तो एग देखिए कहाँ से मिलेगा। एग हम लोग मुर्गी से, जिसको हेन बोलते हैं, इसके अलावा बत्तख यानी डक बोलते हैं, इसके बाद क्वेल, क्वेल का मतलब होता है बटेर, बटेर बोलते हैं यानी कि जो जंगल में एक छोटा छोटा पक्षी होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्वेल, क्वेल से मिलता है। मीट कहाँ से मिलेगा, तो मीट हो सकता है हेन से मिले, डक से मिले, गोट से या फिश से या क्रेब यानी कि केकड़ा से भी मिलता है, ये मीट मिलता है। एक आ गया हनी, हनी बी के नाम सुने होंगे, यानी बी डबल ई, बी मतलब मधुमक्खी। ये बी क्या करता है, फूलों से नेक्टार लेकर के जाता है, नेक्टार का मतलब होता है फूल का रस। और ये नेक्टार लेकर के कहाँ जाएगा, तो ये हाइव में जाता है, हाइव मतलब छत्ता। तो हनी कहाँ से मिलेगा हमको, तो बी हाइव से हनी मिलता है, यानी कि मधुमक्खी के छत्ता से हमें हनी मिलता है। अब आगे आइए, एक और यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट है कि हम लोग किसी भी चने को कैसे या किसी भी सीड को कैसे स्प्राउट करा सकते हैं। स्प्राउट मतलब होता है अंकुरना, उसको कैसे हम लोग अंकुराएंगे। तो आपको करना क्या है, कुछ भी नहीं, मूंग का दाल लीजिए या फिर मूंग का दाल नहीं है तो चना के दाल लीजिए, उसको पानी में या एक यहाँ पे बर्तन हो गया, इसमें पानी भर दीजिए, पानी भर करके उसमें दाल को, जो भी मूंग का सीड है, बीज है या फिर चना के बीज है, उसमें फुला करके रख देना, सुबह तक ये फूल जाएगा। और उसको पानी को निकाल लीजिए, यानी पानी को छान लेना है। इसके बाद एक कपड़ा लीजिए, ये भीगा हुआ कपड़ा होना चाहिए, और यहाँ पे दाने जो भी सीड्स हैं, जो फूले हुए सीड्स हैं, उसको रख दीजिए, उसको ढक दीजिए, और इसके ऊपर में पानी देते रहना है, यानी कि भीगा हुआ रहना चाहिए, सूखना नहीं चाहिए। और उसके बाद अगले दिन देखिएगा, तो क्या देखिएगा अगले दिन, जैसे सपोज़ कीजिए कि ये एक इस प्रकार का कोई बीज है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे एक वाइट वाइट कुछ निकल रहा है, यहाँ पे वाइट वाइट कुछ दिखेगा, इस वाइट को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग स्प्राउट हो गया है, मतलब कि क्या हो गया है, तो ये निकल गया है दाना बन करके, दाना बोल रहे हैं, ये इसका जो अंकुर होता है इसको हम बोलते हैं अंकुर, यानी कि अंकुर बन करके क्या हो गया है, निकल गया है, इसको बोलते हैं स्प्राउटिंग, यानी कि ये स्प्राउट हो गया। अब इसी को, यही जो अंकुर है, यही क्या बन जाता है, तो रूट्स बन जाता है। अगर ये मिट्टी है, मिट्टी में आप इसको लगा दीजिएगा, ये दाना हो गया यहाँ पे, ये देखिए, और यहाँ पे है, तो ये धीरे 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 बड़ा होकर के इधर आएगा, और ये रूट्स बन जाएगा, और यहाँ पे एक नया प्लांट निकलेगा, यानी कि स्प्राउटिंग हम लोग कराते हैं। स्प्राउटिंग किस लिए कराते हैं, ताकि बीज से अंकुर निकल सके, और उस अंकुर का इस्तेमाल करके हम लोग उसको नया प्लांट में कन्वर्ट कर सके। तो चलिए आज के लिए इतना ही, आप लोगों ने यहाँ पे इस वीडियो को देखा, ऑनलाइन क्लास में पार्टिसिपेट किया, तो आपको देखते रहना है, इसका लिंक आपको व्हाट्सएप पे दे दिया जाएगा एक बार। दूसरी बार क्या करना है कि चैनल पे जाइए, यूट्यूब के चैनल पे आप उसको लाइक करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब कभी भी नया वीडियो आए तो आप उसका अपडेट आसानी से मिल सके कि हाँ नया वीडियो आया है, देखते हैं अगला क्या वीडियो, इसीलिए लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आपको नया वीडियो का अपडेट मिलता रहे। थैंक यू, धन्यवाद, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, और ऑनलाइन पढ़ाई करते रहिए।